आइए जो है आज हम लोग देखिएगा मैथ का जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ उसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा तो स्टूडेंट आप लोग, मैं आपका जो है अच्छे से जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2। क्या बोला है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1/2। दूसरा है, ये 2013 में है। दूसरा है हमारा 2008-2011 में क्वेश्चन आया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2009 में आया, 2009 में, साइन इनवर्स साइन 3π/5। और चौथा क्वेश्चन आया 2011 और 9 में, कास इनवर्स कास 7π/6, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक वन बाई वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है हमारा टेन इनवर्स 1 एंड प्लस कितना है, तो कास इनवर्स है कितना, माइनस 1/2, ठीक है ना। देखिए ये हमारा कितना, टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को करना क्या है सोल्यूशन में, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो टेन इनवर्स जो 1 वैल्यू होती है कितने की वैल्यू होती है। तो हम लोग जानते हैं 1 जो है वो टेन 45 की होती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन 45, 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, यही ना। प्लस उसके बाद क्या लिखना हम लोग को, कास इनवर्स, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं। देखिए जब ए एस टी सी से आएंगे तो ये जो एस है इसका मतलब है इसमें, वो भी क्या मतलब 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, उसके बाद 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो इसमें हम लोग जानते हैं इसमें सभी प्लस होता है, इसमें यस प्लस होता है, इसमें टी वाला प्लस होता है, इसमें सी वाला प्लस होता है, ए एस टी सी, तो ये वाला प्लस होता है। तो यहाँ एस आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ प्लस का कौन सा, साइन और सेक प्लस होगा, साइन और कोसेक प्लस होगा और सब माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस, और यहाँ ब्रैकेट ला दीजिए बड़ा वाला, लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई ये 3 हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है कास कितने की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, नहीं कास जो है कितने की वैल्यू होती है 60, ये हमारी साइन 60 30 की वैल्यू 1/2, तो कास 60 1/2 होता है, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके आगे हम लिखेंगे टेन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा टेन पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ देखें कास इनवर्स, अब यहाँ देखें इसको अगर हम एक साथ ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3, तो यहाँ आ जाएगा कास 2π/3 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो आपको अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना होगा टेन इनवर्स, और अब टेन इनवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टेन इनवर्स और टेन कट के पाई बाई 4 बच जाता है, और प्लस कितना होगा कास कास इनवर्स कट के 2π/3 हो गया। अब इसका अगर हमें एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जब 12 आएगा तो हमारा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जब 3 से यहाँ होगा तो 3π और 4 से यहाँ होगा तो 8π हो गया, कुल मिला के हम लोग देखें 11π/12, यही आंसर होगा हमारे पहले वाले का। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जब तक देखता हूँ कि कहीं कट तो नहीं रहा ना, तो क्या आंसर आया, समझ गए, देखिए क्लियर दिख रहा है ना। तो देखिए पहले का आंसर ये है, ओके। अब देखिएगा क्या हुआ आंसर हमारा, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या देखा, इसमें
कि टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वन बाई टू है। टेन इनवर्स डायरेक्टली हम चाहते तो यहाँ पाई बाई फोर लिख सकते थे, पर उसके बाद कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, तो हम लोग जानते कॉस 180 माइनस थीटा अगर कॉस का लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस जो है हमारा कितना होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे 2 पाई बाई थ्री हो जाएगा। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस कट के कितना आता है थीटा जाता है, तो 2 पाई अपान 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से पाई बाई 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन इसीलिए 1 बाई 1 करके हम लोग लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए, सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है साइन इनवर्स, नहीं साइन है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स है कितना माइनस 1 बाई 2, यही ना है, कितना है देखिएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2 है, एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए बस यहाँ पर क्या है, पर ये बाहर है तो यहाँ पे हमें क्या कर? पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 180 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन पाई बाई 3 अगर हम लोग 180 इसमें इसलिए क्योंकि इनवर्स इनवर्स कट के हट जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि साइन यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन अगर ऐसे माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका माइनस साइन थीटा हो जाता है, इस फार्मूले से यहाँ माइनस ये आ गया प्लस में, अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1 बाई 2 कितने की वैल्यू है, तो साइन कितने की वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 3 और प्लस साइन 1 बाई 2 30 की वैल्यू, तो 30 का मतलब पाई बाई कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 30 कितना, पाई बाई हमारा 6 होता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना साइन, और ये हो जाएगा हमारा कितना एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 पाई और प्लस यहाँ से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई आएगा, ओके इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा साइन, और ये मिल गया 3 पाई बाई अपान 6, और ये 3 से 6 कट गया 2 आ गया, पाई बाई 2 कितना आ गया, साइन पाई बाई 2 हमारा होता है 90 डिग्री, और 90 का मतलब 1 आ गया, इसका मतलब है जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देखिएगा 1 है, आप लोग को दिख रहा है ना, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए आपको आंसर समझ में आ जाएगा, कहीं कट तो नहीं रहा ना, ठीक है चलिए, ठीक है ना, आए समझ में, तो देख लीजिए आप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, तो ये वैल्यू है पहली वाली, तो यहाँ पे आंसर है, इसका आंसर है 11 पाई बाई टी। दूसरे की कैसे हम लोग देखें, तो देखिएगा हम लोग क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि साइन पाई, यहाँ लिखा है साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, माइनस को इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स का हम लोग जानते हैं 1 बाई 2, मतलब ये साइन कितने की वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पाई बाई 3 इसका है, इसको पाई बाई 6 लिखें, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3 पाई बाई 6 आएगा, 3 स्कटिंग 2 तो 1 बाई 2 आ गया, नहीं पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। अब हमको देखिए यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना, तो चलिए हम इरेज करके आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कुछ नहीं करना आपको थोड़ा देर के लिए, जैसे मैंने रुका तो आपको क्या करना है, ये आपको करना क्या है कि थोड़ा सा क्या करना, गैपिंग देके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, थर्ड करते हैं, वो भी थर्ड कितनी बार आया देख रहे हैं, 2009 में पूछा है, तो चलिए क्या है, फाइंड करना है साइन इनवर्स, और फिर आएगा कितना साइन 3π/5, ये हमें बताना है, क्या दिया है, यहाँ वैल्यू है साइन इनवर्स साइन 3π/5, यही ना,
इसकी वैल्यू हमें लानी, कितना साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो देखिए इसको हमें थीटा में लाना, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स। अब हम इसको ये देखें, अगर हम यहाँ क्या लिखें, तो अगर हम यहाँ लिखें साइन, यही ना, अगर हम यहाँ लिखें पाई माइनस, यही यहाँ से हम एक ब्रैकेट और लगाते हैं ये बड़ा वाला। अब यहाँ लिखें, अगर लिखे पाई माइनस 3π/5 तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आएगा ना। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 - 3 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे अब 2 ले लें, अब सही है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5π हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो 5π में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2π/5, तभी हो जाएगा ना इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लगा दिया तो हमारा ये चेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं साइन पाई की वैल्यू, ये अगर लेंगे तो ये किस में आ गया, इसका मतलब ये आ गया साइन इनवर्स, और ये हमारा अंदर हो गया साइन। और हम लोग जानते हैं कि साइन जो है पाई माइनस थीटा जो है वो ये कितना आता है, तो साइन थीटा आ जाता है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यही फार्मूला का यूज करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो 2π/5 पे आया, समझ में। अब करना क्या है, ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो जो वैल्यू मिलने वाली है हमको, वो मिलने वाली है कितनी, तो सीधा सीधा मिलेगी 2π/5, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यही हमारा क्या गया आंसर आ गया। आप लोग ध्यान से देखिए करना क्या, तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 3π/5 हो गया, उसके बाद साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5, इसको हमने क्या कर दिया इस टर्म में बदला पाई, क्योंकि हम लोग 3π है तो कोई वैल्यू निकाल के रखने के, ये वैल्यू निकालेंगे तो साइन नहीं कटेगा ना, हमें वैल्यू नहीं निकालना, हमें क्या करना है इसको पाई 2π 3π, या तो 90+ या 90 - 180 उसमें रखना। तो हम लोग जानते हैं अगर पाई के टर्म में रखेंगे तो साइन जैसा वैसा आएगा, तो पाई माइनस इसको सेट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देख रहे हैं कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5 - 2 करेंगे 3π/5 आ गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा आता है, इसलिए कितना हो गया, सीधे यहाँ पहुँचे, उसके बाद साइन सेन कट के आ गया आंसर, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, फोर्थ वाला देखिए क्या, सेम ऐसा भी अभी है, कॉस इनवर्स कितना है, फिर कॉस 7π/6, ओके। तो आगे कितना है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे पहले कॉस, फिर ये, फिर इसके बाद इसके लिए, सेम इसके लिए भी वही करना है हम लोग को कि ऐसा आ जाए। देखिए क्या लिखेंगे, अगर यहाँ हम 5 लिखे, है ना, मतलब यहाँ पे हम कितना लिखे 12 - अगर 5 लिखे तो आएगा, इसका मतलब हम लोग को लिखना है 2π - कितना हो जाएगा 5π/6, क्या इस सेट हो रहा है ये चेक करना, देखिएगा 6 × 12 मतलब 12π, 12π में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 12π ना, 12π में से 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, तो इसका यहाँ पे होगा 7 7, ठीक है। अब कितना आ गया, पहले हमारा कितना, अच्छा 7 लाना है, एक मिनट, 7 लाना है, तो इसका मतलब है हम लोग को 7 लाना होगा, तो 12 यहाँ है, ठीक है। अब 12 आ गया तो 12 का मतलब कितना होगा, 12 12 में से 7 घटा दीजिए सीधा सीधा ना, 5 ले लें, यहाँ 5 है सही, ठीक है ना। 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना होगा, 7 × 5 = 12 हो जाएगा। इसका मतलब है इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, अब 2π के टर्म में रख दे, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2π - 5π/6। अब इसको करना क्या, देखिए अब फिर से आइए, अगर हम लोग जानते हैं ASTC में देखेंगे C जो होता है उसमें क्या है, 360 - थीटा क्या होता है, प्लस में आता है, तो 360 - थीटा किस में आएगा, प्लस में आएगा, इसलिए जो वैल्यू मिलने वाली है आपको क्या मिलेगी, देखिएगा आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी कॉस इनवर्स, फिर यहाँ मिलेगी आपको कॉस,
और यहाँ मिल जाएगी आपको कितनी, तो 5 पाई बाई 6 मिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कास कास कटेगा तो वैल्यू आएगी 5 पाई बाई 6, तो ये इसका आंसर मिल गया हमको, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देख ले, आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से करना कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग को वैल्यू इसमें पुट कर देनी थी। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चल रहा है 2013 में, 8 में, 11 में, 9 में, 11 और 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सिर्फ क्वेश्चन पेपर में, बस मैं वही न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके अलावा एनसीईआरटी का देखता हूं जो बहुत कठिन है उसको कराऊंगा, नहीं तो आपको सिंपल नहीं कराऊंगा, जो पेपर में पूछे बस मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान से देख लीजिए, पेपर के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए जो है हम लोग फटाफट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ढेर सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन टोटल इस बार लिया हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही मान के चलिए, कितने मार्क्स का है तो ये 100% 1 मार्क्स का ही माना जाएगा। तो देख रहे हैं 2011 9 में आया हुआ है, 2010 में आया है, 2010 में आया है, 2010 में आया है, ये 2011 में है, 2014, 2012, मतलब यही क्वेश्चन आपको इसी टाइप के रिपीट करते रहते हैं। तो आपको देखिए तो सिंपल क्वेश्चन, एक बार तो क्वेश्चन का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका रहेगा तो मैं वन बाय वन जैसे कराता हूँ आपको समझ में आएगा। तो नंबर आपको डालना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है आपको देखिएगा, सब में वैल्यू फाइंड करनी है, tan 3/4, ये हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, tan 3/4, इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कुछ आइडिया नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगाएंगे। तो tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा मान लीजिए, ठीक है, बची इसकी बात, तो इसको हमें क्या करना है, पहले सेट कर देना है। तो देखिए कैसे सेट करना है, अगर हम इसको लिख दें tan π - 3π/4, ठीक है, ऐसे नहीं, ए अब बताइए सेट हुआ कि नहीं, ये यहाँ कर दी, इसको सेट हुआ क्यों, देखिए tan इस tan 3π/4 है, अगर हमें π - π/4 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4π - π सब 3π/4 आ गया अपने आप। अब आगे बढ़िए, अब लिखेंगे tan इनवर्स और tan, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan का जो फार्मूला होता है उसमें माइनस आता है, सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें सब माइनस, तो कोई बात नहीं, यहाँ हमारा आ जाए कितना, -tan π/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहुँच गया। अब इसी को उल्टा सेट कर लीजिए, कैसे सेट करेंगे, आप इसको लिखेंगे tan, और हम लोग जानते हैं tan θ = -tan θ, तो अगर ये tan θ = -tan θ आता है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, अब क्या होगा, tan कट के -π/4 आंसर आ गया, बस यही हमें करना था, आंसर ही तो लाना था, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें π - π/4 में लिखेंगे, तो π - π/4 से π - θ 180 के, 180 - θ tan के लिए माइनस होता तो माइनस लिख दिए, अब इस माइनस को अंदर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से फिर tan कट के आंसर आ गया। देखो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड यहाँ ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गया आप आसानी से, स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, जब मैं लास्ट इरेज करूँगा तो आपको बता दूंगा। तो चलिए, पर मुझे जगह नहीं तो 1x1 करके हो सकता है इरेज करना पड़े, तो इसलिए जो ऐसे ही 1 कंप्लीट आप कर लिया करिए। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, साइन इनवर्स क्या है, -√3/2, ये क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस √3/2। देखिए इसको इसी तरीके से हमें सेट कर लेना, कैसे आप ध्यान से देखते रहिए, अभी सेट हो जाए। सबसे पहले हमको लिखना है साइन इनवर्स, ये आप देख के बताइए साइन कितने की वैल्यू, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है ना, 60 की है ना, तो हम अगर ऐसे लिखें साइन और ये लिख दें -√3/2, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइनस थीटा होता तो इतना आ गया। अब क्या करना हम लोग को, अगर हम इसके आगे जाके यहाँ लिखे कि आगे लिखें साइन इनवर्स, और ये कितने की वैल्यू है तो 60 की है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन माइनस 60 कितना होगा तो पाई बाई हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कट के हमारा मिल गया माइनस पाई बाई 3। देखिए ये भी आंसर आ गया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। क्या करना था, यहाँ माइनस है तो हम लोग साइन माइनस थीटा लिखेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ये साइन ये कट जाएगा, माइनस जैसे वैसे आ गया, पर हम लोग को क्या करना है 30 डिग्री लिखना, तो ये 30 इसको ऐसे रख के कर देंगे, ठीक है, आया कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जो है हमें इरेज करना है, इसलिए आप एक क्वेश्चन यहाँ मैं लगा देता हूँ थर्ड वाला, अगर दिखता है तो चरक चेक कर लूँ, दिखेगा तो यहाँ लगा देता हूँ आपको, तो थर्ड एक उसमें हो जाएगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। तो थर्ड के लिए नीचे वैसे थोड़ी एक बार के लिए जगह, एक क्वेश्चन यहाँ कर लेते फिर एक उधर कर लेते, चलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ एक करने की, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ हम करेंगे, ठीक है, छोटा ही ये दिख रहा है। तो हमारा कितना है, sec इनवर्स माइनस 2 है, कितना है sec इनवर्स माइनस 2। तो सबसे पहले आप ये पकड़िए, sec की वैल्यू जो है 60 की होती है 1/2, तो इसका मतलब है ये 60 की है, sec 60, तो हम लोग लिखेंगे sec इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे sec, और ये कितने की वैल्यू है, तो ये 60 की वैल्यू है, और हम लोग आ जाएंगे कितने पे, तो ये हमारा हो गया कितना माइनस 2, एक तरह से 60 की वैल्यू है, तो पाई बाई हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, यही ना। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कितना माइनस, पर हम लोग जानते हैं माइनस थीटा अगर होगा यहाँ से, अगर इसका माइनस है तो ये मान के चलिए sec माइनस किसके लिए होता है, अगर हम लोग sec माइनस के लिए लेते हैं, या तो हम लोग इसको इस तरीके से पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ sec कितना हो जाएगा sec माइनस 2, sec माइनस 2 अगर है तो इसका मतलब है cos के लिए, अगर हम लिखते हैं cos थीटा तो प्लस में आता है, पर अगर माइनस लेना है तो किसके लिए लेंगे, अगर 180 में लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, ये वाला sin ये वाला प्लस आ जाता है, ठीक है, ये वाला प्लस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको, देखिए सबसे पहले हमको इस तरीके से सेट कर लेना है, कैसे करना है, तो sec और sec क्या हो जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे इसको, तो देखिएगा कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले sec इनवर्स माइनस 2 है, ठीक है, अब माइनस 2 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका प्लस थीटा होता तो इसको यहाँ कर देते, ठीक है, पर इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस थीटा, 180 में ले जाएं इसको, तो लिखेंगे कितना sec इनवर्स, और इसको हमें लिखना है, तो अगर हमें लिखें sec और यहाँ पे अगर कर दें पाई माइनस पाई बाई 3, यही ना, पाई माइनस पाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो हम लोग को पता है क्या चीज़ पता है, कि अगर ये हमें sec पाई में जितले तो ये cos 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो किस में आती है, तो माइनस में आती है, इसलिए यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 3, और कट के हमारा हो गया पाई बाई 3, यही आंसर मिल जाएगा पाई बाई 3। तो लास्ट लाइन आपकी कट तो नहीं रही है, एक बार चेक कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए लास्ट लाइन नहीं कटी, ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ मैं लगा देता हूँ आपको, देखें ध्यान से देख ले, इसमें करना क्या था, तो sec था और माइनस 2 था, माइनस 2 का मतलब है अगर हम लोग यहाँ पे थीटा यहाँ कर देंगे माइनस, तो ये मान के चलो प्लस हो जाता, पर माइनस इसको छोड़ कर sec पाई बाई 3, यहाँ पे 2 की वैल्यू माइनस हटा दो, 2 की वैल्यू रख दो sec पाई बाई 3, और इसके बाद इसको अंदर करेंगे तो ये कितना होगा पाई माइनस पाई बाई 3 करके, अब इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोग की, ये वैल्यू आ गई, इसको एलसीएम लेकर हटाएंगे तो कितना होगा, एक मिनट, इसका होगा 2, इसका मतलब यहाँ 2 पाई बाई 3 आएगा पूरा कट के, ठीक है, 2 पाई बाई 3 आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फोर्थ वाला, कितने में करने के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आप क्वेश्चन को वैसे हम लोग चाहे तो क्वेश्चन को इरेज कर सकते हैं, चलिए इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो इरेज ही कर लेते हैं, क्या मतलब रख के, लगा भी लिया क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी के ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन इनवर्स, फिर यहाँ साइन 4π/5, ये है क्या है साइन इनवर्स, फिर साइन 4π/5, देखिए इसकी वैल्यू हमको लानी है, ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल मिलेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे क्या साइन, और यहाँ से हम लोगे पाई माइनस फोर पाई बाई फाइव। अभी ये हमको फाइव लाना है, तो इसका मतलब है हम यहाँ से अगर ये हटा दें तो हमारा सेट हो जाएगा। देखिए ये यही ना, अगर हम यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे फाइव में से तो इतना आ गया, तो ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो प्लस में आती है, तो साइन इनवर्स, और यहाँ आ गया हमारा साइन पाई बाई फाइव, और इसकी वजह से हमारा आंसर कितना जाएगा, तो पाई बाई फाइव आ गया। देखिए ये आंसर पाई बाई फाइव आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करना, सबसे पहले ये साइन फोर पाई बाई फाइव है, हमको क्या करना है, इसको पाई माइनस पाई बाई फाइव लिख देंगे, क्योंकि ये इस तरीके से, और पाई की वैल्यू कितनी, 180 माइनस थीटा साइन के प्लस होता है, तो सीधे फाइव बाई फाइव, साइन साइन कट गया इनवर्स से, पाई बाई फाइव बच गया। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते, देख ले आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिए, तो हम इसको एक बार देख लीजिए, ले लीजिए तब आगे। तो चलिए देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर है वो क्या होगा, टेन इनवर्स दिख रहा है ना, टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल, देखिए टेन इनवर्स माइनस वन, फिर वहीं जाइए, टेन इनवर्स है माइनस वन है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ ऐसे लिखे टेन इनवर्स और यहाँ पर लिखे माइनस, यहीं छोड़ दे और इसको हम लिख दे टेन फोर्टी फाइव, मतलब पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। अब इसको हम फिर आगे अगर यहीं पे लेते, अगर दिखता है तो अभी देख रहे हैं, तो अगर टेन इनवर्स लिखें और इसको हम लिखें टेन, और यहाँ लिख के इसके थीटा में पाई बाई फोर कर दें, तो हम लोग जानते हैं कि टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा, तो अब यहाँ गया, अब टेन से टेन कट के हमारा माइनस पाई बाई फोर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझ गए एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देखिए तब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको इरेज करेंगे, ठीक है, आप लोग देखते रहिए, बस मैं देखूँ बाहर तो नहीं चला गया है, जितना मैं दिख रहा है उतने पे लिख रहे हूँ ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन लिखे रहेगा, अब देखिए एक एक करके मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये मैंने फाइव इरेज कर दिया, चलिए मैं सिक्स को लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स मेरा ये रहा, क्या है, कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई, इसको मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, शॉर्टकट में यहीं कर देता हूँ। देखिए कास इनवर्स, सबसे पहले तो ये बताइए वन बाई टू कितने की वैल्यू होती है, कास के तो वन बाई टू सिक्सटी की वैल्यू होती है ना, तो आप पाई बाई सीधे थ्री लिखिए, फिर प्लस यहाँ पे टू, ये बाहर है टू लिख के, और साइन वन बाई टू कितने की वैल्यू होती है, तो साइन वन थर्टी की, पाई बाई सिक्स, ठीक है ना, इसको इससे आप काट सकते हैं, तो आपका आ गया कितना, थ्री आ गया, देखिए वो हो जाएगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मिलकर टू पाई बाई थ्री हो गया, यही आंसर आ गया इसको, देखिए इस वाले कितना सिंपल, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बस आप कर लीजिए तो कुछ नहीं है, एकदम आसान। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, तब मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट तो यहीं करके दिखा देता हूँ कि आपको इतनी एरिया में सब हो जाए। तो चलिए मैं आपके लिए ये किया इरेज क्वेश्चन नंबर सिक्स को, और क्वेश्चन नंबर सेवन यहीं पे मैं डाल के आपको करना शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ इसलिए टच नहीं करूँगा आपको, ऐसे देखिए टेन इनवर्स, ये है हमारा टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, तो अंडर रूट थ्री हम लोग जानते हैं कितने की वैल्यू थी, टेन सिक्सटी की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सिक्सटी की जगह पाई बाई थ्री, और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेम इसको भी सेट करते हैं, अब ये भी 60 की ही वैल्यू है, तो नहीं एक मिनट, हाँ ये 60 की वैल्यू है, तो इसको हम सेट कर सकते हैं ऐसे सेक, और इसको हम लोग कर सकते हैं 60 की वैल्यू है, तो ये मान के चलिए कितना हो गया हमारा, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो पाई बाई 60 को हम लिख सकते हैं थ्री, यही ना, फिर आगे लाइन इक्वल की लगानी पड़ेगी, पाई बाई थ्री माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक इनवर्स, और उसके बाद हो जाएगा ये माइनस की वजह से ये बनेगा सेक पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब समझ गए
क्यों ऐसा? अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस सेक थीटा होता है, ठीक है। इसकी वजह से अब जो वैल्यू आएगी 2π/3 आ जाएगी, कितनी आएगी 2π/3। तो मैं क्वेश्चन इरेज करूँ तो यहीं पे आपको फिट करके दिखा दूँगा, तो देखिएगा आप ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करूँगा मैं, इसको यहीं पे इसको सेट करूँगा तो 2π/3 हो गया, तो मतलब पाई बाई थ्री और माइनस 2π/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब एलसीएम लेंगे तो माइनस पाई बाई थ्री आपका आंसर इस तरीके से अगर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, आप देख लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको न समझ, सिर्फ आपको ASTC CTS से और प्लस जो है किस तरीके से यहाँ क्या यूज हुआ कि आपका साइन माइनस थीटा कास माइनस थीटा, मतलब कास माइनस थीटा प्लस थीटा का यूज हुआ, और प्लस वो ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है वो याद हुआ, ठीक है। तो इतने से देखिए हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखिए 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7 इक्वल टू प्रूव करना साइन इनवर्स 31 और 25 अंडर रूट 2, यही इसकी वैल्यू प्रूफ करके लाना, ठीक है ना। क्या करना है, 2 tan inverse 1/2 tan inverse 1/7 साइन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, सॉल्व करके लानी। आया समझ में? तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड पे, तो आइए देखते हैं। चलिए दिख रहा है ना, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है 2 tan inverse, तो हम लोग जानते हैं देखिए 2 tan inverse x = tan inverse 2x 1 + x² ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से देख लीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या है आप देखिए, तो हमारा फॉर्मूला था 2 tan x = tan inverse 2x और यहाँ पे कितना हो जाता है 1 + x². इससे हम लोग क्या कर सकते, देख लीजिए कितना होगा, कितना, क्योंकि 2 tan x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो इस तरह के हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको देखिए हम लोग रखते हैं, चलिए आइए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन क्या है, तो देखिए लगाते हैं आइए। तो चलिए आइए देखते हैं, तो क्या होगा, 2 tan x = tan inverse 2x और यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस नहीं माइनस होता है, क्या होगा 2 tan inverse x = tan inverse 2x और 1 - x². तो अगर हम इसके हिसाब से फॉर्मूला इसकी जगह रखेंगे, सोल्यूशन अगर लेते हैं, तो 2 tan inverse 1/2 की जगह हो जाएगा 10 inverse और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 1/2 upon 1 - 1/2² अगर कर देंगे इस तरीके से, तो और प्लस जो है 10 inverse 1/7 ऐसे लिख देंगे। तो आप देखिएगा 10 inverse यहाँ पे हमारा ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4 - 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 inverse 1/7। उसके बाद इसको हम लोग लेंगे 10 inverse, ये ऊपर 4 चला गया और यहाँ 4 - 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 हो गया, तो ये हो गया प्लस 10 inverse 1/7। आगे हम लोग देखते हैं 10 inverse, यहाँ 10 inverse a + 10 inverse क्या है, b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 10 inverse x + y, मतलब 4/3 × 1/7 और अपान यहाँ होगा कितना, 1 - 4/3, यहाँ देखिए कितना होता है, तो नहीं यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ हम लोग का क्या होता है x + y और 1 - कितना होता है x * y, तो x + y मतलब 1/4/3 + 1/7 और यह मल्टीप्लाई हो जाता है 1/
सेवन, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा टेन इनवर्स, और यहाँ हमारा वैल्यू देखिए किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सात, अट्ठाईस ये, तीन ये, और यहाँ पर कितना होगा इक्कीस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इक्कीस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या हो गया फोर, यहाँ अपान यहाँ कितना होगा इक्कीस, इक्कीस इक्कीस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन कट जाएगा, अट्ठाईस तीन इकतीस, और यहाँ कितना हो गया चार घटा दिया तो कितना हो जाएगा, देखिए अट्ठाईस ये इसमें सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारा हो गया कितना थर्टी वन, और इसमें से वन सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी हो जाएगा पहले, और थ्री करेंगे सेवनटीन आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा ये टेन इनवर्स की वैल्यू है, कितने की है, तो टेन इनवर्स की वैल्यू ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं थीटा मान लेंगे, इसके इक्वल क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, तो थर्टी वन अपान सेवनटीन इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। अब इस थीटा से ध्यान से देखेंगे, अगर आप दिख रहा तो हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए एक फिगर बनाएंगे इससे, अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल कितना होता है, थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये 31 है अपन बेस ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके, तो अंडर रूट में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में करेंगे कितना 17 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 31 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दिख रहा है कि नहीं ऊपर, सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन दिख रही है जो मैं वहाँ बता रहा हूँ, नहीं दिख रहा ना, यही चीज़ देखना था, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे पहले दिखा कि नहीं, ये देखिए जो मैं वहाँ फिगर बना हूँ दिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है, तो देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहीं ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ चुका है टेन इनवर्स 31 अपन 17, और हमने क्या इसके इक्वल थीटा मान लिया, तो 31 अपन 17 इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, हम फिगर को क्वेश्चन तो ऊपर है, ठीक है, इसके बाद इसको हमने मान लिया, इस फिगर हमने इस फिगर को बनाया, यहाँ थीटा मान लिया 31 अपन 17 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी थीटा की यहाँ से निकालना है कितना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा 17 स्क्वायर प्लस कितना होगा 31 स्क्वायर, 17 स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, और 31 इंटू 31 हो जाएगा आपका कितना 31, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 961, इसको हम लिखेंगे 961, फिर क्या होगा 961 और आपका 289 दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 यहाँ हो गया, उसके बाद कितना होगा 15 हो गया, और यहाँ से हो गया 1200 कितना हो गया 50, कितना हो गया 1250, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 6 यहाँ हो गया, और 22 जब 4 5 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर 2 से काट दिया, 2 से नहीं कटेगा, चलिए 5 से काट दिया हमने इसको, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, तो 5 का 25 से काट दिया, 25 का 25, 25 का 25, ठीक है ना, बना गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो वैल्यू हो रही है आ रही है 25 अंडर रूट में 2 आ रही है। अब देखिए यहाँ से तो हमने लिख दिया, तो अगर हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं साइन इनवर्स, मतलब टेन थीटा की वैल्यू अगर साइन इनवर्स में रखेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 31 अपान कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट में 2, ये हो गया हमारा टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो हमारी आ जाएगी 31 अपान 25, ठीक है, कितना आएगी 31 अपान 25, तो इधर से टेन इनवर्स की वैल्यू जो होगी इधर से साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है इसकी जो वैल्यू होगी
क्वेश्चन की यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ देखिए आपने दिखाया कितना साइन इनवर्स 31 अपान 20 अपान अंडर अपान यहाँ 25 अंडर रूट में 2। और कैसे आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक बार देख ले तब स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहले क्या किया, 2 टेन इनवर्स इक्वल टू होता है 2x 1 - x2। इन दोनों इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देंगे किस में, टेन इनवर्स 2 इस फॉर्मूले में रखे 1/2 1 - 1/x, ये कट गया इसका इसका 1/4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 4 ऊपर हो गया तो ये आ गया 3/4। फिर ये वाला साथ लेके अब टेन ए प्लस बी मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 - x(y) लगा दिया, तो सॉल्व करते हुए हम लोग क्या पहुंच गए यहाँ पे 31/70। इसी टेन इनवर्स 31/70 को हमने थीटा मान लिया और उसके बाद तो ये टेन थीटा हो गया। फिर फिगर ये हमने फिगर ड्रा किया ट्रायंगल और इसमें हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, जैसे हाइपोटेन्यूस निकलेगा तो हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि साइन इनवर्स क्या होता है, तो साइन इनवर्स की जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 31/25 होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 31/25 अंडर 2, यही जो उधर से थीटा इधर से थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले तब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए लॉन्ग वाला है ये, तो आइए चलिए सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं, तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए सेकंड का क्वेश्चन जो है आप इरेज वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग लेते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, याद दिख रहा है ना इस लाइन पे, यहाँ नहीं दिख रहा थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन देखिए सामने है, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x 1+2 कॉस इनवर्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान 1+x² इक्वल होता है टेन इनवर्स कितना होता है, तो x होता है, ठीक है ना, क्या होता नहीं कितना होता है ये, तो 2 टेन इनवर्स x होता है, कितना होता है साइन इनवर्स 2x 1+x² 2 टेन इनवर्स x होता है, और कॉस इनवर्स 1 - y² अपान 1+y² भी होता है 2 टेन इनवर्स यहाँ पे y हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स 2x 1+x² को 2 टेन इनवर्स x होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 - y² अपान 1+y² को 2 टेन इनवर्स। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा टेन 1/2 और यहाँ हो गया 2 टेन इनवर्स x प्लस यहाँ होगा 2 टेन इनवर्स ये y हो गया, आया समझ में। अब यहाँ टेन इनवर्स 1/2 ये 2 कॉमन कर लेंगे इससे कट जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा कितना, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, टेन इनवर्स कितना होता है, तो x प्लस y अपान 1 - xy, यही फार्मूला भी है यही दिया भी है। तो टेन इनवर्स कटेगा तो हमारा एक्स वाई अपान यही हमारा आंसर भी आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है आंसर है। देखिएगा ध्यान से क्या क्या करना था, सबसे पहले हमको करना टेन इनवर्स साइन इनवर्स 2x 1+2 फार्मूला लिखना जो 2 टेन इनवर्स हो सक होगा, और कॉस इनवर्स 1 - y² 1+y² है तो उसको टेन 2 टेन इनवर्स y लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ वैल्यू रख देंगे, 2 कॉमन कर काट देंगे तो यहाँ पे खाली टेन बचेगा और ये फार्मूला डायरेक्ट टेन इनवर्स का होता है x प्लस वाई 1 - xy, और टेन टेन कट गया तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले तब आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे, तो आइए जो है
सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से देख लीजिए, इसमें फोर पार्ट में दिया है, टेन इनवर्स वन बाई फाइव, टेन इनवर्स वन अपॉइंट सेवन, टेन इनवर्स वन अपॉइंट थ्री प्लस टेन वन अपॉइंट सेवन इक्वल टू, प्रूफ करके लाना पाई बाई फोर। ठीक है, मतलब टेन इनवर्स जो है वन बाई फाइव टेन वन अपॉइंट सेवन ये सब करके वन बाई फोर। तो हम लोग क्या करते हैं, दो का पेयर बना के फार्मूला लगाएंगे। तो इसका सलूशन जो होगा, सबसे पहले तो आप एक फार्मूला लिखते हैं हम कि टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही फार्मूला हमारा इसमें लगेगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो दो एक एक साथ ले लेंगे, तो टेन इनवर्स तो यहाँ कितना होगा, वन अपान फाइव प्लस वन अपान सेवन और अपान वन माइनस वन अपन फाइव वन अपन सेवन, एक साथ इसको ले लेंगे फिर टेन इनवर्स। अब दूसरे एक साथ करेंगे इसको, क्या करेंगे, वन अपन थ्री है तो वन अपन थ्री प्लस वन अपन एट अपन फिर लिखेंगे कितना, तो वन माइनस वन अपन थ्री वन अपन एट, इसको सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स ये हो गया कितना, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए इसका, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे सेवन होगा, इसमें सात पाँच बारह ट्वेल्व हो गया और नीचे थर्टी फाइव होगा, फिर यहाँ से लेंगे कितना होगा बारह, यहाँ सात पाँच बारह से घटाएंगे कितना है ग्यारह और यहाँ थर्टी फाइव होगा, थर्टी फाइव थर्टी फाइव काट देना, फिर प्लस टेन इनवर्स इसमें आ जाइए, इसमें कितना होगा आठ त्रिक चौबीस, आठ तीन ग्यारह यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना होगा चौबीस, अपन नीचे कितना होगा यहाँ पे आठ ट्रिक चौबीस में से घटाएंगे तेईस और यहाँ कितना होगा चौबीस, चौबीस से चौबीस कट गया तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, देखिए पहले कौन कौन सा कटा है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेल्व ऊपर है नीचे वाला कटा है, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व अपान इलेवन और यहाँ प्लस कितना होगा टेन इनवर्स एलेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री ये आ गया। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूला लगेगा, क्या हुआ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए इसको काटे, तो अगर इसको देखें कैसे कटता, इतना मल्टीप्लाई ये अपॉन तो ये आ गया, इतना ये तो ये आ गया, अब फिर से फॉर्मूला लगाने हैं टेन इनवर्स, फिर से अब क्या लिखेंगे ट्वेल्व अपॉन एलेवन प्लस एलेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री फिर अपॉन वन माइनस ट्वेल्व अपान एलेवन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो एलेवन अपान ट्वेंटी थ्री ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करना, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसी को सॉल्व कर लेना है बस, टेन इनवर्स यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, अब यहाँ लिखते एले कितना होगा, तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री और प्लस एलेवन इंटू एलेवन अपान कितना होगा एलेवन इंटू ट्वेंटी थ्री, फिर यही चीज़ यहाँ करिए एलेवन इंटू ट्वेंटी थ्री ये हो गया माइनस ट्वेल्व इंटू एलेवन अपान कितना होगा एलेवन इंटू ट्वेंटी थ्री ये क्वेश्चन हो गया, इसको इसे काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई वाला खाली पार्ट बचा, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है मल्टीप्लाई, अगर इसमें से कुछ कामन देखिए नहीं आ रहा है ना, यहाँ से कुछ कामन तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं पहले, देखिए तो इसमें से कुछ कट नहीं रहा, चलिए ओके पहले करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 23 में 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 थ्री जा कितना होगा बारह तीन छत्तीस, छः ही कैरी हो गया और बारह दूनी चौबीस और तीन सत्ताईस और उसके बाद 11 11 जो 121 होता है, इसको ऐड करेंगे 7 यहाँ आ जाएगा 9 यहाँ होगा 390 आपका 7 हो गया, उसके बाद जो नीचे वाले में कितना होगा 11 इंटू 23 23 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा 23 मतलब 3 यहाँ और यहाँ पे आ गया कितना 52 और उसमें से क्या करेंगे 12 मतलब 2 3 1 सबट्रैक्ट करेंगे 1 3 2 सबट्रैक्ट करेंगे 1 यहाँ पे हो गया 2 यहाँ पे हो गया 1 2 1 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से 1 तो यहाँ पे आ गया कितना 1
टू वन आ गया, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि इसमें देखिएगा फार्मूला क्या है। अब तो ये फार्मूला हमें लग रहा है यहाँ जो वो होता है ना, एक मिनट रुकिएगा, तो देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो आइए हम लोग एक बार मिस्टेक चेक कर ले फटाफट, कहाँ मिस्टेक हो रही है कि जो आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कट नहीं रहा। तो देखिए मिस्टेक कहाँ हो सकती है, यही फार्मूले में कहीं वैल्यू रखने में। सबसे पहले हम लोग ये रखे, देखिए इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम किया 35, यहाँ पर कितना हो गया 12, और यहाँ पर 35, यहाँ करेंगे कितना होगा 35। अच्छा ये देखिए मिस्टेक यहाँ, तो ये हो जाएगा 35, 35 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। अगर ये 34 होगा तो 12 अपान यहाँ क्या लिखेंगे 34, यहाँ कितना होगा 12 अपान 30, ये सही है, 12 अपान 34 हो गया। तो यहाँ पे 12 अपान कितना होगा 34 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 अपान 30 34, ये 12 अपान 34 हो गया। इसको आगे हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, चलिए ठीक है ना, 12 अपान 34 हो गया। तो यही मिस्टेक हो रहा था। देखिए टेन इनवर्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 34 अपान 34 मल्टीप्लाई 23 फिर अपान यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 23 माइनस 12 मल्टीप्लाई 11 अपान 34 मल्टीप्लाई 23, ये इसको और हम लोग को ये काट देना है, ठीक है। इसी वैल्यू को खाली सॉल्व कर लेना है, 12 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 34 अपान 34 मल्टीप्लाई 23 और माइनस 12 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब ये सेम आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आता है। देखिए 23 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 3 36 3 कैरी हो गया, और 12 2 24 24 3 कितना हो जाएगा 27 276, और यहाँ पे 34 को मल्टीप्लाई करें 11 जाएगा 4 7 और 3, तो यहाँ पर होगा 374, इसको ऐड कर दीजिए कितना आ गया 0 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 आ गया 6 हो गया 640 आ गया, ठीक है ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखते हैं क्या है, 34 और मल्टीप्लाई 23 कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 1 हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पे 2 8 7, यही ना। अब इसमें से 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 231, इसमें से 782 में से 132 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 05 और कितना हो जा रहा है 05 और 6, 650 आ रहा है, कितना रहा है 650 आ रहा है, यहाँ कितना 640 आ रहा है। यही एक जगह देखिए मिस्टेक हो रहा, क्योंकि यहाँ कितना रहा सेम आता तब तो वरना आएगा कट के, फिर से देख लीजिए कितना हो रहा है। तो 23 इंटू 12 और 11 इंटू 34, यहाँ पर 34 इंटू 23 माइनस 11, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 होगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई कर दिया 12 3 36 6 हासिल 3 आ गया हमारा, और 12 2 24 24 3 27 और यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया 11 इंटू 34 4 ये 7 3 आ गया, इसको ऐड करेंगे 0 0, अच्छा देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 14 एक कैरी 15 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा देखिए 6 6 0 हो गया, 6 4 10 हो गया यहाँ पे, यहाँ 7 2 14 एक 10 एक कैरी वाला कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ 14 1 15, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर लिखेंगे लिखेंगे 650 अपान 650, ये इससे कट के कितना 1 आया। तो 1 आने का मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स ये हमारा आ गया कितना 1 इक्वल टू पाई बाई 4, यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लंबा हो गया, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि लंबा है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की समझ ध्यान से नहीं देखने मिस्टेक हो जाता। देखिए क्या करना, सबसे पहले ये क्वेश्चन
पहले इन दोनों को एक साथ tan इनवर्स x प्लस वाई के साथ लेना है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस xy होता है। अब tan इनवर्स 1/x + 1/7 और 1 इतना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, LCM लेंगे तो यहाँ 7 12 आ जाएगा, नीचे 35 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके LCM लेना है तो इसका मतलब 7 5 35 में से घटाएंगे 34, 34/35 आ गया। उसके बाद इसमें करेंगे देखिए 8 3 11 यहाँ हो गया, 8 3 24, यहाँ 24 में से घटाएंगे तो यहाँ 23, यहाँ 24, 24 24, यहाँ 35 35 काट दिए, 12/34 11/23। इसको काट भी सकते, छोटा कर सकते, पर हमने क्या डायरेक्ट लगा दे, फिर फॉर्मूला यही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, तो 12/34 + 11/23 1 - 12/34 × 11/23 आ गया। और इसको फिर LCM लेंगे, फिर ऐसे 23 का 12 में, 34 का 11 में, और 34 × 23 का 1 में फिर सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ लिखा है। अब इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है, क्या किया, 23 का 12 मल्टीप्लाई किया तो 276 आ गया, और 34 का 11 किया तो कितना, 374 आ गया, दोनों ऐड का 650 650 650, मतलब 650 आ गया। फिर उसके बाद नीचे क्या, 34 × 23 मल्टीप्लाई किया 782 आ गया, और 11 का मल्टीप्लाई किया 12 से तो आया 132, 782 में से 132 सब्ट्रैक्ट 650 आ गया, दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती, तो यही आंसर आ गया। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखिए आसान है, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में आते लेके, ओके।